ताल्लुक मुख्तसर ही सही, मुनाफिकत से पाक होना चाहिए। हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, बाज़ औक़ात कुछ रंग सोहबतों के भी चढ़ते हैं। अकेले ही लड़नी पड़ती है ज़िंदगी की लड़ाई, लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ नहीं देते। महरम की मोहब्बत से ज़्यादा खूबसूरत एहसास कोई भी नहीं। कुछ रिश्तों की खातिर अगर हम अपनी जान भी कुर्बान कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं बाबा, क्यों नहीं बाबा सारी दुनिया आपके जैसी। उसने यूसुफ को देखकर वहां कटी थी उंगलियां, खुद चांद कट गया यहां उंगली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर। काश कभी जिंदगी में बारे रबीउल अव्वल मदीने में देखना नसीब हो। इबादत का बेहतरीन वक्त जवानी है। मौत वो तीर है जो अपने हदफ पर लगने के लिए कमान से निकल पड़ा है। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, सिर्फ अपनी गलती नहीं मिलती। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नज़र आता है, अल्लाह अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। अहले बैत से मोहब्बत करना किसी शिया सुन्नी वहाबी या देवबंदी की जागीर नहीं है, ये मोहब्बत तो ईमान का हिस्सा है। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखो, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए, बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। वक्त की एक खासियत ये भी है, वो बदलता ज़रूर है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। तीन चीज़ों में कभी शर्म महसूस मत करना, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बूढ़े माँ बाप में। नीयत साफ हो जाए तो नसीब भी बदलने लगता है। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और आमाल को देखता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को ये अल्फाज कहते हुए सुना, या जल जलाली वल इकराम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, तुम मांगो। ऐसा नहीं मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नज़र नहीं आता, दर हकीकत अब किसी और को देखने की चाह ही नहीं रही। वक्त का काम है गुजरना, अगर बुरा है सब्र करो, अगर अच्छा है तो शुक्र करो। दुनिया में कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो। हया और वफा जिस औरत में हो उससे बढ़कर कोई औरत खूबसूरत नहीं हो सकती।